से कि तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी ना, उन लोगों ने मना कर दिया। देखो तुम और कृति भाग करके भी तो शादी कर सकते हो। बुरा लगता है तो बुरा लगे, हम तुझे अपनी बहू नहीं मानते हैं। इन लोगों का कब मन पलट जाए पता नहीं लगता। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आप मुझे प्लीज दो चार दिन का टाइम दीजिए ना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आप खुद ही बताइए कि मैंने आज तक कभी लेट किया है। हाँ, आप प्लीज मुझे दो चार दिन का टाइम दे दीजिए। थैंक यू भैया जी, थैंक यू सो मच। जब देखो तब खींच खींच, कहीं का भी गुस्सा हम पर ही उतारती रहती है। क्या हुआ? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? हाँ, विनय का ये रिश्ता भी कैंसिल हो गया तो उसका भी गुस्सा हम पर ही उतार रही हैं। अनाप शनाप बोले जा रही हैं तब से। मानसी, माँ की बातों का बुरा मत माना करो, उनकी आदत है। आप तो रहने ही दो, आप कौन सा हमारी कोई बात सुनते हैं। कितनी बार आपसे कहा है, माँ जी से एक बार बात तो करके देखिए। देखिए कीर्ति हमारे देवर जी के लिए बिल्कुल सही रहेगी, और देवर जी भी तो पसंद करते हैं कीर्ति को। मानसी तुम तो जानती हो ना कि माँ तुमसे कितना चिढ़ती है, और अगर उन्हें पता लगा कि कीर्ति तुम्हारी बहन है तो मुझे नहीं लगता है वो कभी उसकी शादी करने देंगे उसके साथ। मानसी मुझे नहीं लगता कि कीर्ति विनय के साथ कभी खुश रह पाएगी। कीर्ति एक खुले ख्यालों वाली लड़की है और विनय हर बात माँ से पूछ कर करता है। अच्छा, जैसे हमने एडजस्ट कर लिया है इस घर में, हमारी बहन भी कर लेगी। हाँ प्लीज हमारे खातिर एक बार माँ से बात करके देखिए ना। ठीक है, अगर तुम बोलती हो तो मैं एक बार बात करके देखता हूँ। ठीक है? सच्ची? हाँ, मुच्ची। मैं आता हूँ। अच्छा, माम शहर जा रहे हैं किसी काम से। अच्छा चली जाना, पर पहले अपना कुछ फोटो इस मोबाइल नंबर पे भेज दो। और काहे? काहे का? क्योंकि जिस जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी ना, उन लोगों ने मना कर दिया। अब दूसरी जगह तुम्हारे लिए रिश्ता दिख रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मैं काहे अब बात बात में हमारी पढ़ाई का रोना लेकर बैठ जाते। हम नंबर सेव कर लिए, भेज देंगे फोटो, चलते हैं। वैसे मानसी की बहन कीर्ति भी शादी के लायक रखी है और अपने विनय को भी बहुत पसंद है, आप उससे रिश्ते की बात क्यों नहीं करती?
सुन तो रहने ही दो। ये सब तेरी वजह से हो रहा है जो विनय की शादी नहीं हो रही है। न खानदान देखा न हैसियत, ऊपर से घर से भाग कर शादी करके ले आई इसे। अरे जिसकी वजह से कोई भी अच्छे खानदान का आदमी अपनी बेटी नहीं दे रहा इस घर में, और तू चाहता है कि इसकी बहन को बहू बना के इस घर में ले आए ताकि जो बच्ची खुची इज्जत और घर की शांति है वो भी मिट्टी में मिल जाए। एक कम है क्या हमारा खून पीने के लिए जो इसकी बहन को भी ले आए? चाहे विनय कुंवारा ही रह जाए पर इसकी बहन से शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ हाँ तो ठीक है, मत करवाइए। कौन कह रहा है? वैसे भी देवर जी में कोई हीरे नहीं जड़े हैं। मेरी बहन कीर्ति 10वीं पास है और देवर जी 8वीं भी नहीं है। तो हमारे कहने से मम्मी पापा राजी हो गए थे विनय और कीर्ति की शादी के लिए, वरना लड़के वालों की लाइन लगी है कीर्ति के लिए। लड़के वालों की नहीं, लड़कों की लाइन लगी होगी, और देखना एक दिन इसकी बहन भी ऐसी भाग के शादी करेगी। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली। अब जबान चलाने से फुर्सत मिल गई हो ना तो थोड़ा हाथ पैर चला और जाके देख खाने में क्या बनाना है। देखिए माँ जी, उन्होंने मानी क्या कहा, जाओ अंदर और घर का काम करो। नमस्ते भाभी जी। अरे अनिल आओ आओ। कैसे सब लोग? प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा, आइए बैठिए। ठीक है माँ, चाचा जी मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा। बड़े दिनों बाद आना हुआ अनिल, जब से तुम्हारे पिताजी का देहांत हुआ है तुमने तो गांव आना ही बंद कर दिया है। जब फसल कटती है तब आते हो। क्या बताएं भाभी जी, आपसे कुछ छुपा थोड़ी है। आजकल के जमाने में सब इतना बिजी हो गया है कि फुर्सत ही नहीं मिलता है मिलने का। बाकी आप बताइए, सब कुशल मंगल तो है यहाँ? हाँ सब ठीक ही है, क्या बताएं तुम्हें। हम ठीक है। अच्छा भाभी, वो अपने विनय की शादी का क्या हुआ? सुने थे कि वो छपरा में रिश्ता ठीक हुआ था ना उसका। अब क्या बताएं तुम्हें, कहीं रिश्ता लग ही नहीं रहा है। एक तो विनय पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से इस सुकेश की वजह से कोई अच्छे खानदान का आदमी अपनी लड़की नहीं ब्याह रहा है इस घर में। पर हमने भी ठान लिया है कि बहू लाएंगे विनय के लिए तो एक खानदानी लड़की लेकर आएंगे। वैसे हमारी नजर में एक अच्छी लड़की है तो सही, आप कहेंगी तो हम बात करके देखते हैं। हाँ अगर खानदान हमारे बराबरी का है तो ही बात आगे बढ़ाओ। खानदान तो बहुत बढ़िया है, बल्कि समझिए कि गांव में इज्जत भी है परिवार का। बस एक ही समस्या है, गरीब बहुत है बेचारे। समझिए कि दान दहेज तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर लड़की बहुत अच्छी है, एकदम साक्षात लक्ष्मी आएगी घर। बस लड़की अच्छी होनी चाहिए, अच्छे चाल चलन की हो और इस घर को अच्छे से संभाल ले। वैसे भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। तो फिर ठीक है, हम आज ही जाके बात करते हैं उन लोगों से। सब कुछ ठीक रहा और भगवान का आशीर्वाद रहा तो समझिए कि अपने विनय की शादी अगले हफ्ते पक्की हो जाएगी। चाय पियो तुम। कुंदन भाई, इन लोगों को आपकी बिटिया पसंद है, लेकिन क्या है आजकल एक बार बच्चों से ही पूछ लेना अच्छा रहता है। आप भी अपनी ज्योति से पूछ लीजिए, अगर इसको भी हमारा विनय पसंद है तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे अनिल भाई कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना अच्छा खासा लड़का है, ज्योति को भला क्यों नहीं पसंद आएगा? और फिर इतना अच्छा खानदान, इतना अच्छा लड़का, इतना अच्छा घर, आजकल बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए बहन जी। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, तो फिर चलिए ये रिश्ता पक्का हुआ। अरे बिना शगुन के ये रिश्ता पक्का कैसे हुआ? बहू,
ये लो, ये तुम्हारा शगुन, अब हुआ ये रिश्ता पक्का। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा किया जाए। मानसी सबको मिठाई खिलाओ। हां जी। बहन जी आपसे एक बात करनी थी। देखिए हमारे पास कुछ खास पैसे वैसे तो है नहीं, इसलिए मैं ज्योति शादी बहुत धूमधाम से नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों की शादी मंदिर में कर दीजिए। अरे भाई साहब आप पैसों की चिंता क्यों कर रहे हैं, हमारे बेटे की शादी है, शादी तो धूमधाम से होगी और वैसे भी जमींदार का बेटा है, शादी भी जमींदारों वाली होगी। आप तो बस अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए, बाकी सब हम पे छोड़ दीजिए। जी जैसी आपकी इच्छा। अरे आपने तो कोल्ड ड्रिंक लिया ही नहीं, लीजिए ना। शर्ट पे गिर गया, तुरंत धोया नहीं तो दाग दाग पकड़ लेगा। अरे बाथरूम में जाके साफ कर लो ना, जाओ। मानसी मानसी बाथरूम किधर है? चाचा जी। अरे चाचा जी मत बुलाया करो, बुजुर्ग सा फील होने लगता है। तुम चाहो तो हमें अंकल जी बुला सकते हो। जी। अच्छा बताओ तुम कुछ कहना चाहती थी। अंकल जी हम ये कह रहे थे आप तो जानते हैं कि विनय अनपढ़ है, तो क्यों आप उसकी शादी इतनी शहरी पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाह रहे हैं? देखिए ज्योति की जिंदगी खराब हो जाएगी इस घर में आके, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप ये रिश्ता तोड़ दीजिए। हो गया साफ? हाँ अभी जी बस सो ही गए। तो चलो कुंदन भाई साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। आ जाओ। विनय तुमने इस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया? भाभी आप हमसे ऐसे क्यों बोल रही हैं? विनय तुमने हमारी बहन के साथ धोखा किया है। अरे तुमने तो कहा था कि तुम कीर्ति को पसंद करते हो, उसे शादी करना चाहते हो, तो फिर हाँ क्यों कहा इस रिश्ते के लिए? भाभी हमारी और कीर्ति की शादी के लिए माँ नहीं मान रही। हाँ तो क्या हो गया? देखो तुम और कीर्ति भाग करके भी तो शादी कर सकते हो, ऐसे भी एक बार शादी होगी तो माँ जी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। देखो हमने और तुम्हारे भैया ने भी तो भाग के शादी की, क्या हुआ? अच्छा सुनो तुम कहो तो हम कीर्ति से अभी बात करें। हाँ हाँ क्यों नहीं, और शादी भी करने की क्या जरूरत है, सीधे ले आना अपनी बहन को इस घर में और कह देना सबसे इसकी बीवी है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? और अनिल भी कह रहा था कि तू उसके पास गई थी ये बोलने कि वो इस रिश्ते से मना कर दे, और अब चली आई इसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने। खैर इसमें तेरी क्या गलती है, तू है ही नीच खानदान से। बस माँ जी बहुत हो गया आपका, जब देखो तब हमें और हमारे खानदान को भला बुरा कहती रहती हैं आप। माना भाग के शादी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें कुछ भी बोलती रहेंगी। मानसी चुप हो जाओ। तुम चुप रहो, बहुत हो गया इनका। आपने उस ज्योति को शगुन के नाम पे आज इतना कुछ दिया और हमें हमें आज तक एक छोटी सी अंगूठी तक नहीं दी है। अरे अंगूठी तो छोड़िए, आपने दो शब्द प्यार से नहीं बात करी हमसे कभी। हमें भी बुरा लगता है। तो बुरा लगता है तो बुरा लगे, हम तुझे अपनी बहू नहीं मानते हैं। और ये कान खोल कर सुन ले, अगर आज के बाद तूने विनय की शादी में अड़चन डालने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम दोनों को निकाल के बाहर करेंगे इस घर से। चल दफा हो यहाँ से अभी। चलो यार। तुम क्यों नहीं कुछ बोल? और तुझे इसकी बकवास सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इसकी बहन का क्या है चक्कर, तू कब मिला उससे जो ये सबसे कहती फिरी कि तू इसकी बहन को पसंद करता है? अरे हम तो आज तक मिले तक नहीं है उससे, एक बार भाभी ने अपने फोन में फोटो दिखाया था उसकी। अच्छा ठीक है, तूने ज्योति से बात की?
नहीं। अरे फोन कर उसे, पूछ वो घर पहुंची कि नहीं पहुंची। जब तुम दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करोगे तो एक दूसरे को जानोगे पहचानोगे कैसे? चल फोन लगा उसे। हाँ लगा फोन। मैं फोन करता हूँ। हाँ। हेलो हेलो, हम बात कर रहे हैं ज्योति, विनय, तुम पहुंच गई? पहली मुलाकात में इतनी फिकर? नहीं, वो माँ ने कहा था ना इसलिए। अच्छा, माँ जी ने कहा था इसीलिए, वरना तुम फोन नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हम तो तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहते थे, मौका ही नहीं मिला। हाँ तो अब मौका मिल रहा है, अब बातें करो, बोलो क्या हुआ। नहीं नहीं, बातें तो मिलकर ही करेंगे। पर कैसे? कल मैं शहर आ रहा हूँ, हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। बस तुम बता दो मुझे कहाँ मिलोगे, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तुम आ रही हो ना? चुप क्यों, बोलो ना ज्योति। ठीक है, कल सुबह 11 बजे मैं तुमसे मिलती हूँ बस स्टेशन वाले रोड पे, ठीक है? पक्का ना? वादा तो नहीं तोड़ोगी ना अपना? हाँ बाबा पक्का। चलो अब मैं रखती हूँ, मुझे काम भी करना है। अच्छा अच्छा सुनो, I love you. Love you too. चलो बाय। हाँ माँ, विनय का रिश्ता पक्का हो गया। हाँ हाँ, बुढ़िया तो बहुत खुश है। खैर, हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। एक प्लान है हमारे पास। अगर दाव सही लग गया, तो विनय का ये रिश्ता टूट जाएगा। मानसी? मानसी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? क्यों? क्या हुआ? मानसी, मुझे 50,000 रुपए की जरूरत थी, थोड़ा अर्जेंट है। तुम्हारे पास है तो दे दो ना, मैं एक दो दिन में लौटा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 50 तो नहीं है, 15 के आसपास होंगे। ठीक है, फिलहाल जो भी है तुम दे दो ना प्लीज। हाँ ठीक है, मैं लाता हूँ। एक घंटा हो गया, ज्योति अभी तक आई क्यों नहीं? फोन लगा तो। हाय ज्योति, एक घंटा हो गया तुम्हें। सॉरी, चले अभी। बहन जी, कैसे याद किया आपने मुझे? भाई साहब, हमने अपने पंडित जी से बात की थी तो उन्होंने अगले हफ्ते सगाई और उसके अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त निकाला है। बहन जी, सगाई की क्या जरूरत है, सीधे शादी करते हैं ना, आपको तो पता ही कि मेरे पास पैसा। अंकल जी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप सिर्फ ज्योति को लेकर आइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए ना, हम इंतजाम करते हैं सारे। क्यों माँ? हम तो सगाई के लिए होटल भी बुक करवा रहे हैं, विनय आज उसी की बात करने गया। ठीक है बहन जी। माँ एक मिनट आए, हम अभी आए जी। आप चाय पीजिए ना। हाँ। क्यों? माँ आप एक काम करो, इन्हें 2,00,000 रुपए दे दो। पर किस लिए? शगुन तो दे दिया है ना, अब और किस लिए देना है? माँ ये ना गरीब आदमी है, इन लोगों का कब मन पलट जाए पता नहीं लगता। अगर कल को कोई और आदमी इनके दरवाजे पर पैसा लेकर आ गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर से विनय की शादी में खटाई पड़ जाए। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या है ना कि अगर ऐसे लोगों को टाइम पर पैसे देते रहे ना, तो इनका पेट और नियत दोनों भरी रहती है। तो सही बोल रहा है, एक काम करती हूँ, 2,00,000 रुपए और दे देती हूँ, तो रुक मैं लेकर आती हूँ, ठीक है? माँ मुझे भी थोड़े पैसे चाहिए थे, 1,00,000 रुपए दो ना। तुमने फिर से सट्टा बट्टा खेलना तो नहीं शुरू कर दिया? देख सुकेश, अपनी आदत छोड़, मैं तुझे ना 1 रुपए नहीं देने वाली हूँ, और ये सट्टे के लिए तो बिल्कुल नहीं। माँ 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 मा, मा, आखिरी बार दे प्लीज।
विनय नहीं, शादी से मिले सब ठीक नहीं है। ज्योति, अगले हफ्ते हमारी सगाई होने वाली और उसके बाद शादी। किस जमाने में जी रही हो तुम? हाँ पर... परवर कुछ नहीं, भरोसा है ना मुझ पे? ये रहे 2 लाख रुपए, अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो बताइएगा। अरे बहन जी, अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन अच्छा, शादी की तैयारी करते हैं फिर। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। आइए। अंकल जी। जी बेटा तुम? हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। सगाई का सब इंतजाम हो गया ना? माम सब इंतजाम कर दिए, बस हम सबको कल सुबह 9 बजे होटल पहुंचना है। जी जी ठीक है, प्रणाम। सुकेश, सब मेहमानों को नेता दे दिया है ना कल के लिए? हाँ माँ, बस गए वाले मामा से बात नहीं हो पाई, हम रात को फिर से ट्राई करते हैं। हाँ। खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे किसी राजकुमारी से शादी होने जा रही है। क्या हुआ विनय, अचानक तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ नहीं मां, हम अभी आते हैं। अरे क्या काम है, कहाँ जा रहा है? सो ज्योति बेटा दरवाजा खोल। ज्योति ज्योति ज्योति, अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से ज्योति ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वो दरवाजा नहीं खोल रही है। ज्योति बेटा खोल, विनय आ गए। ज्योति बेटा दरवाजा खोल। ज्योति दरवाजा खोलो। ज्योति ज्योति ज्योति, क्या कर रही हो? ज्योति छोड़ो मुझे, नहीं
छोड़ो। ये क्या करने जा रही थी बेटा? अपने पापा को अकेला छोड़कर जाना चाह रही थी। जीना नहीं चाहती पापा, वो सब बर्बाद हो गया, मैं किसी को दिखाने लायक नहीं। नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते। ज्योति क्यों परेशान हो रही हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। अब तुम क्यों आ रहे यहाँ पे? सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम बाप बेटी को अकेला छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। ज्योति मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ ना जाओ। अलायक तुझे शर्म नहीं आई ऐसी घटिया हरकत करते हुए? मैं सोच भी नहीं सकता था तू इतना गंदा आदमी निकलेगा। नाक कटवा के रख दी हमारी बेचारी वो लड़की, गहरे सदमे में चली गई है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। माफ कीजिए भाभी, हम नहीं जानते थे, ऐसे संस्कार दिए अपने बच्चों को। अरे हमसे गलती हो गया चाचा जी, हमको नहीं पता वो वीडियो किसने बनाया, क्यों बनाया। अरे तो जरूरत क्या थी? दो चार दिन रुक नहीं सकते थे तुम? शादी तक सबर नहीं हुआ तुमसे? बेइज्जती करवा के रख दी पूरे खानदान की। देखिए भाभी, कुंदन इस रिश्ते से साफ मना कर चुका है, मिल के आ रहे हैं उससे। अभी आप फिलहाल शादी सगाई से भूल जाइए। एक बार मामला ठंडा होता है तो हम कोशिश करेंगे उससे बात करने का। क्या है चाचा जी, जब हमको कुछ दिक्कत नहीं तो उनको क्या है? हम ज्योति को अपनाने के लिए तैयार हैं, कहो तो आज ही शादी कर लेंगे। हम बात करेंगे एक बार ज्योति से, देखना वो समझ जाएगी। तुम बात करोगे उससे? जब बात करो, समझा लो उसको और कर लो शादी। हम वैसे भी अब इस बीच पढ़ना नहीं चाहते, तुम लोग की जो न्याय करो। हम चलते हैं। अरे अनिल हमारी बात तो सुनो। अनिल कि ज्योति फोन क्यों नहीं उठा रही है हमारा? ज्योति फोन उठाओ हमारा। ज्योति उतनी शरीफ नहीं है जितनी तुझे लगती है। उसका कई लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, फिर भी अगर तू उससे शादी करना चाहता है और चाहता है कि तेरी और उसकी वीडियो डिलीट हो जाए तो 10 लाख का इंतजाम कर, नहीं तो ये वीडियो इंटरनेट पर आ जाएगी। अच्छा विनय, हमें पंचनामा भरो और बॉडी को पोस्टमार्टम कर दीजिए। बेटा आप बता सकते हो कि विनय ने खुदकुशी क्यों की होगी? आज उसकी सगाई थी, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया। किसी ने इसकी और ज्योति इसकी होने वाली बीवी, किसी ने इन दोनों की पर्सनल वीडियो बना ली थी और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी थी, जिसकी वजह से ज्योति और उसके पापा ने शादी करने से मना कर दिया। हो सकता है कि शायद यही वजह हो कि इसने खुदकुशी कर ली। वो
वीडियो कहाँ पे? सर वीडियो तो विनय के फोन में। और कोई बात आपको आपको किसी पे शक? हाँ सर, हमें इस मानसी पे शक है। माँ, ये कभी नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता हो, और इसने पूरी कोशिश की ये रिश्ता तोड़वाने की। इसने तो अनिल के भी कान भरे थे, और हमने तो इसे कुंदन से बात करते हुए भी देखा था। जरूर इसी ने हमारे विनय के दिमाग में कुछ भरा होगा कि उसने खुदकुशी कर दी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? हाँ ये सच है कि हम चाहते थे कि विनय की शादी हमारी छोटी बहन से हो, पर उसके लिए हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ये भी सच है कि हमने चाचा जी से कहा था कि वो ये शादी तोड़ दे, और कुंदन जी से भी यही कहा था कि विनय हमारी छोटी बहन से प्यार करता है, आप ये शादी तोड़ दें। हमने अपनी बहन की फोटो भी दिखाई थी उन्हें, पर उन्होंने हम पर यकीन नहीं किया। हम सच कह रहे हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। किसका हाथ है किसका हाथ नहीं है ये हम लोग देख लेंगे, लेकिन जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती आप में से कोई भी गांव के बाहर नहीं जाएगा। इस विनय का मोबाइल चेक करो, उसमें वो वीडियो है कि नहीं। मुझे विनय की सारी कॉल डिटेल चाहिए और मोबाइल लोकेशन चाहिए, इस फैमिली की पूरी डिटेल्स चाहिए। और हाँ, जहाँ पे विनय की शादी होने वाली थी वहाँ का एड्रेस ले लो इनसे और वहाँ पे पूछताछ करो। यस सर। सब क्या हो गया भाभी जी? ऐसा अनर्थ हो गया? हम जानते कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कभी भी ये रिश्ता लेके नहीं आए हो। सर आप यहाँ? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विनय ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसका खून हुआ था। क्या? खून? हाँ, और ये खून किसी और ने नहीं, बल्कि इस अनिल ने किया। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कुछ भी बोले जा रहे हैं? अरे वो मेरा भतीजा था, अपने भतीजे को क्यों मारूंगा मैं? मेहता देखिए दोनों को। इन दोनों ने सब कुछ बता दिया, अब तू बोल क्यों मारा विनय? मतलब इन सब में ये दोनों बाप बेटे भी शामिल है? ये दोनों बाप बेटे नहीं, ये कुंदन इसका आशिक है, सनील के जैसे। ममता जी, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, और इस सब में इस अनिल का हाथ है। अब ये पूरी कहानी बताएगा। बोल। पैसों के लिए, पैसों की जरूरत थी। उस दिन हम गांव की जमीन बेचने आए थे, यहाँ आके पता चला कि हमारे बाप ने मरने से पहले वसीयत में लिख दिया था कि हम अपनी पुश्तैनी जमीन का एक इंच भी नहीं बेच सकते। फिर वापस लौटते समय इस घर से गुजरे तो पता चला कि विनय की शादी नहीं हो पा रही है,
हमें लगा कि शादी के नाम पे इस घर से कुछ पैसे ऐड सकते हैं। फिर हमने प्लान करके भाभी से उस झूठे रिश्ते की बात चलाई। जब भी मेरे झांसी में आ गई तो हमने फिर इस ज्योति से बात की। ज्योति बेबी, एक बात तो बताओ, तुम एक्टिंग कर सकती हो क्या? एक्टिंग? संस्कारी गुणी लड़की की एक्टिंग करनी है, बहुत पैसा मिलेगा, और जो भी मिलेगा उसमें हम दोनों का 50-50। ठीक है, मैं कर तो लूंगी, पर पहले पूरी बात बताओ। अरे, एक मालदार पार्टी है गांव में, बहुत पैसा उनके पास, उनका एक बेटा है विनय जिसकी शादी नहीं हो पा रही। हम तुमको उनके यहाँ शादी के लिए संस्कारी गुणी बहू बना के पेश करना चाहते हैं। एक बार बात तय हो गई फिर सगुन बाकी रस्मों के नाम पे खूब सारे पैसे ऐड सकते हैं उनसे। और एक बार पैसा अपने पास आ गया ना, उसके बाद एंड टाइम पे कुछ भी बहाना करके शादी से मना कर देना, और क्या। हाँ ठीक है, पर अगर लड़की दिखानी है तो उसके घर वाले भी तो होंगे, वो कहाँ से लाओगे? अरे वो है ना तुम्हारा आशिक। कौन? कुंदन। देखने तेरे बाप जैसा ही लगता है एकदम। एक बार प्यार से फोन करो उसको, दौड़ा दौड़ा नंगे पांव आ जाएगा तुम्हारे पास, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, मैं कुंदन को फोन करती हूँ, मगर कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? लफड़ा? हमारे रहते क्या लफड़ा होगा, नो टेंशन डार्लिंग। चलो एक्टिंग के लिए तैयार हो जाओ मेरी हीरोइन। फिर ज्योति ने इस कुंदन को भी इस खेल में शामिल कर लिया। हमें लगा था कि पैसे अटने के बाद किसी बहाने से शादी को कैंसिल कर देंगे और ज्योति फ्री हो जाएगी, लेकिन वो विनय, वो तो इस ज्योति के पीछे ही पड़ गया था। उसको कुछ भी करके इससे शादी करनी थी, और जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आ रहा था ज्योति परेशान होने लगी थी। फिर हमने ज्योति को विनय के पास भेजा और ज्योति और विनय का साथ में वीडियो बना लिया। फिर हमें लगा था कि वो वीडियो देख के भाभी खुद ही मना कर देगी इस शादी से, लेकिन वो विनय एक नंबर का जिद्दी था। इतना कुछ होने के बाद भी उसको बस किसी भी हालत में ज्योति से शादी करनी थी। फिर हमने एक अनजान नंबर से उसको मैसेज भी किया था, उसको मैसेज से बरगलाया था कि ज्योति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और तो और 10 लाख रुपए की मांग भी की थी उससे वीडियो डिलीट करने के लिए, वो फिर भी नहीं माना। ज्योति बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। देखो उसी का कॉल आ रहा है, ये इतनी आसानी से ना पीछा नहीं छोड़ेगा मेरा। मैं अभी नाटक ऑन नहीं कर सकती, अगर अब विनय मेरे पास आया ना मैं उसको जाके सब कुछ सच बता दूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। अरे पगला गई हो क्या तुम? सच बोल दूंगी, सच बोल दूंगी। जेल जाना चाहती हो तुम? मैं क्यों जेल जाऊंगी? प्लान तुम्हारा था तो जेल जाओगे तुम, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी। मैं जाके सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। हमारी बात सुनो। देखो गुस्सा करने से काम और खराब होता है। हम बोले थे ना तुमसे हम सब कुछ संभाल लेंगे। कल सगाई की डेट है, जो करना है जल्दी से जल्दी करो, समझे? ज्योति की बात से हम डर गए। हमें लगा कि बात निकलेगी और पुलिस तक जाएगी तो सबसे पहले हम ही फंसेंगे, और फिर विनय को रास्ते से हटाने के लिए मैंने प्लान बनाया।
और उसके बाद हम चुपचाप यहाँ से निकल गए। हमें लगा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हम बच जाएंगे। कानून से अब तक कोई बच पाया जो तू बचेगा? क्यों मारा मारा? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, क्यों मारा? इसमें आपकी भी गलती है। आपने एक अनजान परिवार पे इतना भरोसा कर लिया, थोड़ी छानबीन कर लेती, थोड़ी पूछताछ कर लेती तो आपको उसी दिन ज्योति के बारे में पता चलता और ये सब ना होता। लेके चलो इन तीनों को। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ना मत इस कमीने को। आ, 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 आ,